क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए। Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to our channel. रमजान मुबारक आप सबको। I hope आप लोगों का रमजान बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, इबादतें वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी भी पूरी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर सकें। ट्राई यही करते हैं कि रोजा कोई भी स्किप ना, और आई होप आप लोग भी कोई रोजा स्किप नहीं कर रहे होंगे विदाउट एनी रीजन, करना भी नहीं चाहिए वैसे। और आप लोगों का रमजान कैसा गुजर रहा है? आई होप अच्छा ही गुजर रहा होगा। मौसम बड़ा जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ है, वैसे वेदर इतना अच्छा नहीं था रमजान से पहले। थैंक्स टू अल्लाह कि इतना अच्छा हम लोगों को वेदर दिया है इस रमजान में, ताकि हम लोग रोजे अच्छे से रख सके। वेदर का बहुत मेन रोल होता है रमजान में, अगर वेदर अच्छा हो तो आप लोगों को रोजा फील भी नहीं होता। और ईद की आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की? इनसे मिलिए, ही इज माय फ्रेंड शारिक। मैं आजकल ज्यादातर आपके ब्लॉग्स में नजर आता हूँ। हैदराबाद। तो चलिए आप भी हमारे साथ रहिएगा हमेशा की तरह। अब्बू आज हम लोग जा रहे हैं, तो आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं, बहुत इंशाल्लाह रमजान शरीफ। कब आएंगे? इंशाल्लाह रमजान शरीफ। पक्का प्रॉमिस करेंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद के बाद आप अम्मी के साथ आएंगे? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? और दुआओं में याद रखिएगा, सब आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने अब्बू से कहिएगा कि वो हमारे लिए दुआ करें। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सबके लिए मैं वैसे ही दुआ करता हूँ। ठीक है, तो जरूर इनको रमजान में सबको दुआओं में याद रखिएगा जो भी हमें देख रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, और अम्मी कहाँ गई? इधर हैं। आप क्यों नहीं जा रही इस बार? मैं बेटा अभी रमजान है, रोजे रखूंगी और अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अब्बू के साथ रहूंगी मैं बहुत, दो तीन महीने के बाद आई हूँ, तो अभी मैं रोजे रखूंगी और इत्तेकाफ में बैठूंगी। तो इत्तेकाफ में तो आप उधर भी बैठ सकती हूँ? बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं उधर वो नहीं कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं हो सकती। मैं अभी इधर जहाँ सुकून से बैठूंगी और इबादत करूंगी इंशाल्लाह। ईद के बाद आप लोग आइएगा, ईद भी करना इधर, फिर हम आपको लेके भी जाए। हाँ इंशाल्लाह, और सबको याद रखिएगा। आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी और खासकर सना के लिए करूंगी, उसके इम्तिहान है, अल्लाह पाक उसकी खुशखबरी सुनाए कि उसके इम्तिहान में कामयाबी मिले। अल्लाह आप लोग दोनों को अल्लाह याद रखेंगे। हाँ ठीक है, फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, कमी तो महसूस होगी अभी इस बार? बिल्कुल, लेकिन दो मैं याद रखूंगी इंशाल्लाह। रमजान तक मुझे छोड़ दो, रमजान के बाद आप, रमजान तक आपको छोड़ दिया हमने। हाँ रमजान के बाद आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह। चलो, मेरे बेटे को बहुत बहुत प्यार किएगा, मिकाइल को मेरी तरफ से। मिकाइल को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज जो मिकाइल को क्या दूँ, दादो दादो के घर आओ, इधर दादो के पास जरूर इंशाल्लाह ताला। और उसके मुझे वो भी भेजा करो व्हाट्सएप पे, पिक्चर्स और वीडियो वगैरह भेजा करो। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अब ये क्या है? ये की चेन है, बहुत कीमती है ये। जब मेड इन जापान है ये। अच्छा, और ये आप अपना इसमें कीमती एटीएम कार्ड भी रख सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड भी रख सकते हो इसमें, और कई चाबियां, कितने चार पांच, एक दो तीन चार पांच चाबियों के हैं, पांच पता नहीं छह चाबियां, कितने तीन छह छह चाबियां इसमें आ सकती हैं। चलें, घर की चाबियां इसके अंदर में, घर की चाबियां रख लो या गाड़ी के अंदर रख लो आपके, मतलब ये ठीक है। थैंक यू। ये अबू ने हमें एक अदद की कवर होगा ना, की कवर कहेंगे इसको, या की वॉलेट, की कवर या की वॉलेट जो भी है वॉट एवर वो दिया है। थैंक यू अब्बू। स्निकर्स मैंने रात में वॉश करने के लिए रखे थे जो कि अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे स्लीपर्स में ही जाना पड़ेगा क्योंकि शूज अभी तक वेट हैं, मैंने रात में वॉश किए थे और अभी तक ड्राई नहीं हुए। शायद इतनी बेवकूफ़ी है, मुझे कल या परसों से वॉश करके रख लेने चाहिए थे। एज यू गाइज नो दैट आई एम इन हैदराबाद एंड टुडे आई एम सो मच एक्साइटेड क्योंकि मैं पैकिंग करने लगा हूँ और आज ही आज हम कराची के लिए रवा दवा होने वाले हैं। और एक्साइटेड किस लिए हूँ मैं?
एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज मैं मिलने वाला हूँ मिकाइल से, वो भी आफ्टर वन एंड हाफ वीक। इट्स रियली अ लॉन्ग टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर हुआ हूँ उससे, और आई एम सो मच एक्साइटेड। चलिए कि पैकिंग करते हैं हम लोग साथ साथ और बातें भी करते रहते हैं। ये मैं लेकर आया था ट्रिप के लिए जो कि बिल्कुल काम नहीं आया, इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। चेकबुक थी मेरे पास। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ये बात तब लिया है मिकाई के लिए क्योंकि मैं दूसरी सिटी आया था। अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खाली हाथ जाऊं। आई नो आई कैन बाय दिस फ्रॉम कराची एज वेल, बट मुझे दिल चाह कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाऊं, मेरा दिल चाह रहा था बस, तो मैंने ये ले लिया। पैकिंग के मामले में थोड़ा सा टची हूँ, मैं खुद से ही सेटिस्फाइड होता हूँ, जब तक मैं पैकिंग खुद से ना करूँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इतना ज़्यादा लाइफ में ट्रैवल किया है अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है पैकिंग की। चार्जर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप लोग ट्रैवलिंग करें अपना चार्जर ज़रूर साथ रखें, और आते हुए भी ज़रूर याद रखें कि आपका चार्जर है आपके साथ या नहीं है। हैंड फ्री तो मैं हमेशा से ही घुमा देता हूँ, और इस बार तो मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। आईफोन के मिलते भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो बस अब जो गुम हो गया तो गुम हो गए। विदाउट हैंड फ्री मुझे एडिटिंग में भी इशू होता है काफ़ी ज़्यादा। अरे इतने से सामान है यार, और बाकी ग्लासेस हैं। ये हमारा एक अदद बैग रेडी हो चुका है। में हाफ एन आवर है तो हम लोगों के पास ऐसे कुछ भी नहीं है खाने को, बट थैंक्स टू माय मामी, उन्होंने कुछ बनाकर भेजा है ऑलरेडी। देखते हैं उन्होंने क्या भेजा है हमारे लिए। वैसे मेरी मामी जो है ना हैदराबाद वाली, वो काफी स्वीट है, और उनके हाथ के बने हुए खाने जो मुझे पसंद है, बात ही खत्म हो गई। किसी दिन आपको मिलवाऊंगा, अगर वो शायद ना हुई तो उनको जरूर आपसे मिलवाऊंगा। वाह ठीक है, पता नहीं ये है। ये टमाटर की चटनी है मेरी फेवरेट। मजे की बात है कि मामी जो भी बनाती है ना वो मेरा फेवरेट ही होता है। चले जी देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा मामी की स्टार्ट से आदत है, वो इस तरह के बॉक्सेस में ना आपको खाने डाल के देती है, बड़ा खोलने में मजा आता है। चले भाई यहाँ पे है हमारे पास कुछ कबाब है ना, फ्रोजन कबाब बना के भेजे हैं बना। हाँ ये उन्होंने कबाब भेजे हैं जो कि रमजान में काम आने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट मामी, जब भी मैं खाऊंगा ये सहरी में आपको जरूर दुआएं देने वाला हूँ मैं। चलें भाई, मामी ने इतना काम आसान कर दिया हमारा आज, नहीं तो खाने के लिए कुछ भी नहीं। ओ वाह ये है अचार, ये भी मामी ने खुद बनाया है। अब अचार देखें किन किन चीजों का, ये मिक्स है, लेमन भी है, मजा आने वाला है। रोजा है और कसम से दिल चाह रहा है अभी अभी खा लूं। एक और चीज ये मामी तो हल्की नहीं हो रही है, इतना सामान। वाओ ये क्या है, ये भी चटनी है, हरी चटनी है ये हरी चटनी है। चलें भाई एक और भी है बॉक्स। ये मुझे खोलना नहीं आ रहा यार, और इसी में ही कुछ मजे का लग रहा है। हाँ खुल गया ये देखें भाई, इसमें क्या है, ये है मिर्चों का सालन। नहीं फ्राइड हरी मिर्चें हैं ये, वो ही ना मिर्चों का सालन। थैंक यू सो मच मामी, आई लव यू। आपने आज हमारा काम सीरियसली बहुत आसान कर दिया, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। अभी हम लोग पहुंचे हैं हैदराबाद से कराची, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं करने वाले हैं ये खा कर, और इस बहाने आप हमें दुआ में याद रहेंगी। चलिए जी अभी हम लोग पहुंचे हैं, अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं। घर में बहुत सारी चीज़ें जो देखने वाली हैं वो भी करेंगे, और रात में जाएंगे लेने सना और मिकाइल। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।
आई वॉज हेल टायर्ड थॉट टू टेक क्विक शावर. ये मेलन हम लोगों ने आते हुए रास्ते से लिए, इसके लिए हमें एक अलग कटिंग बोर्ड चाहिए होगा और एक पसंद है. नहीं, मुझे अगर मीठा ना हो तो शुगर पसंद है, अगर मीठा है तो शुगर पसंद है. अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में. अब बनाएंगे हम रूह अफ़ज़ा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के बगैर तारी अधूरी होती है. लेकिन रूह अफ़ज़ा ठंडा पीने में मजा आता है, ऐसे नहीं आता है. इतनी देर में ठंडा हो जाएगा, टाइम दिखाओ. टाइम क्या हो रहा है? रूह अफ़ज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान में. अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो लगता ही नहीं कि रमज़ान आए. आई थिंक हम लोग के लिए ना होगा. हाँ, थोड़ा सा हनी ऐड कर देंगे इसमें. इसमें भी शुगर डालो. शुगर नहीं, वो हनी डालेंगे. बस ये डिसॉल्व हो गया होगा. अब हम इसको रखते हैं. अम्मी अबू ने लास्ट में आते आते हुए कहा कि हमने कुछ दिया है साथ में, तो वो भी देख लेना. तो लेट मी सी क्या दिया है. अबू ने ये भिजवाई पहलवान की रेवड़ियाँ. ये अबू ने शायद सना के लिए भिजवाई हैं, उसको पसंद ना इसलिए. और ये डेट्स भेजी हैं. ये कोई जयपुर से लेकर आया था अबू के पास, तो ये अबू ने मेरे लिए भिजवा दिए. जयपुर की तो आप सबको ही पता होगा कि कितनी ज़्यादा फेमस हैं डेट्स. अब मुझे बोलने की इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, मैं बस आपको चीज़ें दिखाऊँगा, बोलूँगा इतना नहीं. रोज़ा खुलने में अभी भी 10 मिनट्स हैं, इसको हम वॉश कर लेते हैं पहले. समोसे एंड रोल हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिए थे. बाकी फ्रूट आप लोगों के सामने ही कट किया था. चटनी मामी वाली निकाल ली है समोसों के साथ खाने के लिए. बाकी स्पेशल हम लोग कुछ नहीं बना सके, टाइम बिल्कुल भी नहीं था. हैदराबाद से अभी अभी पहुँचे हैं 20 मिनट पहले और रोज़ा खुलने में स्टिल 2 मिनट्स हैं. तो लेट्स प्रे टुगेदर. اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت ولا اله الا انت. سب سے پہلے یہ پینا ہے بھائی. If you happy and daddy, I love you daddy. See who is here. Daddy is here. I love you. Daddy loves you a lot. Come. Did you miss me? Did you miss me, baby? Did you miss me? Look at me. Okay, bye. I'm going. I love you, baby. Look at me. सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए. तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो जिसे रे कबीरा.
आई वॉज मिसिंग हिम लाइक हेल सीरियसली. मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा अपनी जान को मिस करने वाला हूँ. बट आई मिस हिम अलॉट. मतलब अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना अकेले आपको ट्रेवल करना. अब किसी की लाइफ आपके साथ जुड़ चुकी है. आई वॉन्ट लीव यू अलोन बेबी. वी विल गो टूगेदर वेयर एवर वी गो. वी विल गो टूगेदर. ओके ओके. I love you baby. Tell them I miss my daddy. Tell them I miss my daddy a lot. Tell them I miss my daddy a lot. Tell them baby. Tell them I miss my daddy a lot. As you guys can see, we have removed all the stuffed toys from his cart because of some subscriber suggestions. अच्छा लगता है हमें कोई suggestions दे. आप लोग भी हमारी family का part हैं एक तरह से. हमारा ये first baby है तो हम लोग still learning phase में हैं. काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग advices देते हैं. आप लोग की suggestions हम लोग हमेशा से ही appreciate करते आए हैं. अभी भी अगर आप लोगों को हमारे vlogs में लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और जो कुछ नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ एडवाइज अस. योर सजेशंस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड. सून वी गोना स्टार्ट वीनिंग ऑफ आवर बेबी. इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में. अल्लाह.